मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास जबलपुर जैसा शहर है। थैंक यू सो मच संस्कार धानी, मुझे इतना प्यार। जबलपुर की जिता विश्वकर्मा बनी इंडियाज गॉट टैलेंट की उपविजेता। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इंडियाज गॉट टैलेंट के हर प्रतिभागी ने जजेस से लेकर दर्शकों के दिलों में अपनी प्रतिभा के बल पर अलग जगह बनाई थी। फिनाले के लिए 7 फाइनलिस्ट चुने गए थे। छोटी लता के नाम से मशहूर जिता विश्वकर्मा को पहले रनर अप का खिताब मिला। मेजबान अर्जुन बिजलानी ने शहर की जिता विश्वकर्मा को इस उपलब्धि तक पहुँचने के लिए यादगार के रूप में सोने की चेन भेंट की। सीजन में उपविजेता बनने पर ट्रॉफी के साथ 5,00,000 की राशि भी मिली है। मेजबान अर्जुन बिजलानी ने सीजन की यादों को साझा करते हुए कहा, इसिता जब पहली बार आई थी काफी शर्मीली थी, लेकिन उन्होंने अपने दमदार स्वर से मुझे चौंका दिया था। खास बात तब रही जब वह अपने पिता की जैकेट पहनकर सभी को अपने गाने से चौंका दिया था। उनकी दमदार स्वर से उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इसिता विश्वकर्मा ने बताया, इंडियाज गॉट टैलेंट का पूरा सफर मैं अपने पिता और छोटे से परिवार के लिए समर्पित करने आई थी। यह सफर इतने लाखों लोगों का प्यार दे देगा, कभी सोचा नहीं था। इस मंच ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। सभी श्रोता मेरे परिवार के लोग हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट का यह यादगार पल है। सभी के सहयोग से मैं यहां तक पहुंची। माँ के साथ संस्कार धानी सहित सारे देश ने मुझे वोट कर प्यार दिया है। इससे ज्यादा यादगार पल मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इस्ता ने शहर के सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई की है। उन्हें म्यूजिक की ट्रेनिंग उनके माँ तेजल से मिली है। उन्होंने 16 साल की उम्र में रियलिटी शो सारेगामा जीता था। इसके अलावा वे दिल है, हिंदुस्तानी 2 और संगीत सम्राट जैसी रियलिटी शोज में हिस्सा ले चुकी है। इसिता मध्य प्रदेश सरकार के लाडो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास जबलपुर जैसा शहर है। थैंक यू सो मच संस्कार धानी, मुझे इतना प्यार देने के लिए।